उसी कुल खानदान के हैं जी, और इन लोगों ने नहीं जाने दिया। नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज को देना। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। 10 राज्यसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। समाजवादी पार्टी के 2 राज्यसभा प्रत्याशियों का जीतना लगभग तय है, लेकिन 1 राज्यसभा फंस सकती है, क्योंकि कल हुई समाजवादी पार्टी की डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे थे और आज की तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि सारे विधायक बीजेपी को ही वोट करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट की हार तय है। भाजपा के 8वें प्रत्याशी की जीत को लेकर संशय लगभग खत्म हो चुका है। फिलहाल शाम 5 बजे सभी 10 सीटों की वोटिंग की काउंटिंग चालू हो जाएगी। इसके बाद पता चलेगा कि किस पार्टी के कितने राज्यसभा सांसद जीते हैं और किन किन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के उचाहार से विधायक मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया। राज्यसभा वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिनको फायदा मिल रहा होगा वो चले जाएंगे, और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। इस सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं।